श्याम किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू और चावल के पकोड़े। चार आलू ले लेंगे मीडियम साइज के। इन आलू को हमने छील लिया है। हमने ये हरी मिर्च ली है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको हरी मिर्च ज्यादा लेनी है या कम लेनी है। 5 कली हमने लहसुन के ले लिए। हमने हरा धनिया ले लिया है थोड़ा, और हम आलू को कद्दूकस कर लेते हैं। आलू को हमने कद्दूकस कर लिया है। अब हम आलू को निचोड़ेंगे। निचोड़ के अलग बर्तन में रखेंगे। अच्छे से निचोड़ लेंगे इसको, ताकि इसमें पानी ना रहे। पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए इसमें। आलू को निचोड़ के हमने अलग बर्तन में रख लिया। अब हम लहसुन को कूटेंगे। अच्छे से कूट लेंगे हम इसको। हमने लहसुन को कूट लिया है। अब हम लहसुन को कद्दूकस किए हुए आलू में मैश करेंगे। हरी मिर्च हम आलू में मिला देंगे, ये जो मैंने छोटी छोटी कट कर रखी है। जो क्यूई प्याज को भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। कटा हुआ धनिया ऐड कर देंगे। ये है चावल का आटा। अब हम इसमें चावल का आटा मिलाएंगे। ये जो चावल का आटा है, ये मैंने घर पे ही ग्राइंड किया है। इसको आप भी कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से मैश कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें एक चम्मच पिसा हुआ धनिया डालेंगे और 1/2 चम्मच लाल मिर्च। अगर ये आपको बच्चों को खिलानी है तो आप इसमें मिर्च थोड़ा कम भी मिला सकते हैं। स्वाद के लिए थोड़ा सा गरम मसाला, नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, कम या ज्यादा। सारे मसालों को हमने अच्छे से मिला लिया इसमें। अब थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे हम इसमें। ये जो आपको सूखा जो नजर आ रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे हम, ताकि ये थोड़ा सा गीला दिखे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। आप इसको हाथ से भी मैश कर सकते हैं। थोड़ी सी इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे हम इसमें। अब हम कढ़ाई में तेल डालेंगे। हम तेल को गरम करने के लिए छोड़ देंगे। छोटे छोटे पकोड़े हम तलेंगे। इस तरह से छोटी छोटी गोल करके हमने तेल में छोड़ना है। गैस हमें मीडियम फ्लेम पे रखना है। अब हम इन्हें धीमी धीमी आंच पे पकाएंगे। ब्राउन होने तक इन्हें सिकने देंगे पकोड़ों को। अब हमारे पकोड़े अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इन्हें उतार लेंगे। देख लो आप इनका कलर कितने। अब हमने इनको एक बर्तन में निकाल लिया है। अब हमारे पकोड़े तैयार हैं। ये देखो कितने टेस्टी लग रहे हैं देखने में। केचप के साथ तैयार हैं खाने के लिए। यम्मी यम्मी पकोड़े। लाइक एंड फॉलो। धन्यवाद।